এখানে লেখাগুলো কেমন করে যায় রে? ওরা লিখে দে, না না ওরা লিখে দে কেমন করে যায়, এখন আরম্ভ হয়নি। ওরা লিখে কি করে? গুড মর্নিং স্যার, ওরা লেখা পড়ে না? এই যেরকম যে ফ্রম টু অল, এটা কেমন করে যায়? বুঝতে পারছি। তুই অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, এই সময় ইয়ে করিস না, একটু ওয়েট কর, দেখ কি ম্যাটারটা হয়। বললাম এটা টাচ কর, মিটিং শুরু হয়ে গেছে, পরে দেখা। মিটিং শুরু হয়নি তো? এটা এখন যদি বাই চান্স লগ আউট হয়ে যাও, হাজার লোক হয়ে গেলে ঢুকতে পারবে না। এখন করে না, পরে পরে। হ্যালো, जो कुछ भी अपलाइन अगर आपको बताता है उस चीज को आप अमल में लाइए और वही चीज डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट अगर इस बिजनेस में कोई भी करता है तो
1000% गारंटी है वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएगा और यहाँ पर एक अच्छा करियर बना देगा। आज वेस्टीज में तो कोई डाउट नहीं है, वेस्टीज ने आज ये साबित कर दिया है कि सिस्टम अगर किसी कंपनी का बेस्ट है तो वो दुनिया में अपना परचम लहराती है। अब हमारा आपका कहते ना कि हमारा आपका एक रोल होता है, हम लोग यहाँ पर पार्टनर हैं, हम कंपनी के पार्टनर हैं और पार्टनर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हम वेस्टीजियंस हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है पार्टनरशिप में। हमें पहली जिम्मेदारी जो मिली है इस वेस्टीज में, वो पहली जिम्मेदारी जो हमारी बनती है वो ये होती है कि हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क क्रिएट करेंगे, दूसरा हमें टर्नओवर देना है। ये हमारी पार्टनरशिप है, हमारे हिस्से में पड़ी है और बाकी की पार्टनरशिप हमारी कंपनी के हिस्से में पड़ी है, हमारे सिस्टम के हिस्से में है। बाकी सारा काम हमारी कंपनी, हमारा कंपनी का सिस्टम और मैनेजमेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, नेटवर्क को बढ़ाना है और टर्नओवर को, जितना ज्यादा टर्नओवर उतनी ज्यादा इनकम। और टर्नओवर बनता है हमारे नेटवर्क से, और जितना मजबूत नेटवर्क होगा उतना तगड़ा या बड़ा या बहुत बड़ा हमारा टर्नओवर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं, किसी बिजनेस को बताते हैं, तो वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद हम सबसे बड़ी जो काम है वो पहला ये काम होता है, कोई भी व्यक्ति हमारे सिस्टम में ज्वाइन करता है तो हमें उसे पहला पॉइंट आता है 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उसका फॉलो थ्रू करना चाहिए, जो मैं करता हूँ। और मैं लोगों को भी यही प्रमोट करता हूँ कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर उसके साथ जाइए, उसके घर पे बैठिए और फॉलो थ्रू करिए। फॉलो थ्रू में करना क्या है, अपने वेस्टीज, आप वो बंदा जो ज्वाइन करता है उससे पूछना है, यार आपने वेस्टीज को क्यों किया। अब वो ढेर सारी बातें बताने की कोशिश करे, पहले तो वो खुल करके आपके सामने नहीं आएगा, हमें क्या करना उसको खोलना है। जो हमारा पहला पॉइंट है PMF, मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पे हमें पहुंचना है, ठीक है। अब उसके अंदर की वो सारी चीजें निकालनी है कि आखिर वो वेस्टीज में उसने फार्म पे साइन क्यों किया। अगर हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी उसके घर पे बैठ करके हमें समय लगता है, अगर हम इस सवाल को खोज लेते हैं उसके अंदर कि उस व्यक्ति ने इस बिजनेस को क्यों किया, अगर ये हम जान सकते हैं, और तब हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाता है, हम उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जैसे ही उसकी बारे में जानकारी हो जाए, उसने इस बिजनेस को साइन क्यों किया, उसके बहुत से अंदर ड्रीम्स होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, वो बाहर निकाल करके लानी है। हमें कंपनी का बेसिक बताना है उस व्यक्ति को, प्लान देते समय हमने सारी चीजें तो नहीं बता पाए। अब वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ बैठना है, बैठ करके उसकी बेसिक क्लियर करानी है कि हमारी कंपनी की पूरी प्रोफाइल उसको लिखवा देनी है, कंपनी की पूरी प्रोफाइल उसे हमें लिखवानी है। बेसिक बताना है कि वेस्टीज कब से स्टार्ट हुई, वेस्टीज के पास क्या क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, वेस्टीज ने कहाँ कहाँ तक अपनी ब्रांचेस फैला रखी है, वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या है, सेगमेंट कितने हैं, उन सेगमेंट में डिमांडेबल कितने हैं, आज की डेट में हमारा रेट क्या है, हमारे अचीवर्स कितने हैं, यानी ये पूरी प्रोफाइल जा करके उसे हमें बतानी है, ठीक है। फिर हमें ड्रीम लिस्ट तैयार करवानी है। प्लीज स्क्रीन शेयर ना करें, कोई लोग कहते ना कि सर माफी चाहूंगा, कुछ लोग आदत के मजबूत लोग होते हैं, मजबूर नहीं मजबूत लोग होते हैं, उन पर कितना भी समझाया जाए, मैं 15 साल से सुनते हुए आ रहा हूँ और कहते हुए आ रहा हूँ कि आदत के बहुत से लोग मजबूत होते हैं, कहते हैं कितना भी आप समझाओ करूंगा वही जो मैंने डिसाइड कर रखा है। थैंक यू। आते हैं ड्रीम लिस्ट। अब हमें बेसिक जब हमने बता दिया, तो अपने सामने अगर मैंने अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट जो होती है ड्रीम लिस्ट, अगर हमने लगभग उसके हमें ड्रीम बनवाने हैं, ड्रीम लिस्ट मिनिमम 51 ड्रीम उसके हमें लिखवाने हैं, 51 अगर हमने 51 ड्रीम छोटे से लेकर के बड़े तक उसके लिखवा दिया, और उसी से पूछना है, वही लिखेगा, हमें नहीं लिखना है पेन से। जब वो ड्रीम लिस्ट अपनी तैयार कर ले, ठीक है, तो अगला पॉइंट हमें क्या करना है, बाधा लेना है ना कि बाधा देना है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कोई हमारे साथ मिस्टर राम ज्वाइन करते हैं, और मैंने राम से बोला कि भाई आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं, इनको आपको पूरा करना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी कंपनी आपके साथ खड़ी है, मेरा मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है, मेरी पूरी अप्लायंस आपके साथ खड़ी है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, लेकिन क्या आप
अपना 100% यहाँ पे देने के लिए तैयार है। इतना बड़ा उसका ड्रीम है, उस हिसाब से उसकी टाइमिंग सेट करनी है। आपको रोज परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, पानी बरसता रहे, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लॉकडाउन आ जाए, लेकिन हम अनवरत चलते रहेंगे। और 3 साल से लेकर के 5 साल का अगर आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो, तो मैं आप गारंटी देता हूं कि मैं आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। और हो सके तो यहाँ पर आप एक एग्रीमेंट साइन करा सकते हो, कहिए अगर आपको काम करना है तो। मैं कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी कर लेता हूँ कि एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन कर देता हूँ कि अगर आपने 100% अपना अपने सपनों के लिए दिया, अपने परिवार की खुशियों के लिए दिया, तो डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ कि वहां तक पहुंचने में मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जब बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो अब आप बता सकते हो, आप एजुकेशन के तौर पर बता सकते हो कि अब आपको आगे क्या करना है। तो हमारी कंपनी के कुछ 7 बेसिक्स हैं। आप 7 बेसिक्स में जाकर के आप बताएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है। 7 काम हमारे बाली सर ने दिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत मतलब एक सिस्टम दिया है कि किस तरीके से हम इन सिस्टम को फॉलो कर सकें। अगर जो भी बंदा हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, हमारे बाली सर के द्वारा बताए गए इन 7 कामों को करता है, तो बाली सर कहते हैं उसकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। और उनका एक मानना है, कहना भी है, जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है उनकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। तो तैयारी में पहला काम क्या है? पहला काम मैंने बताया कि आप बैठिए, जाकर के मिलिए, उसको पूरा अंदर से खोलिए, उसकी हेजिटेशन निकालिए, उसकी ड्रीम लिस्ट तैयार कराइए। ड्रीम लिस्ट के बाद में भाई PMF चेक हो जाएगा, तो ड्रीम लिस्ट तैयार कराइए। ड्रीम लिस्ट तैयार कराने के बाद उससे वादा लीजिए, ना कि वादा दीजिए, वादा लीजिए, यानी कमिटमेंट लेना है, ना कि कमिटमेंट देना। यहाँ तो लोग कमिटमेंट दे देते हैं, अरे बस आप आइए ज्वाइन करिए, बस उसके बाद देखिए ना, फटाफट आपको मैं डायरेक्टर बनाता हूँ, डायमंड बनाता हूँ, कार फंड आएगा, आएगा सर, सब कुछ आएगा। क्या करने से आएगा? सही काम करने से आएगा। राइट वे चुनना पड़ेगा, सही रास्ता चुनना पड़ेगा, सही जानकारी देनी पड़ेगी। ओके सर, तो अब करना क्या है कि अब आज ही कल पढ़ ली ना मैंने, आपको 7 काम करने हैं। 7 काम आपको करने हैं, राइट। 7 काम में आज मैं अपने सेशन में 4 काम के बारे में बताऊंगा। पहले यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेंटेन योर क्वांटिटी, और चौथा हाउ टू टेक टाइम। अब पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं, यूज द प्रोडक्ट। मैंने लिखा है 100%। दोस्तों अब 100% क्यों लिखा? यूज द, जब तक हम इस बिजनेस को एडॉप्ट नहीं करते हैं, जब तक एडॉप्ट कब होता है? जब हम जिस बिजनेस में होते हैं उसका जो उत्पाद होता है वो पूरी तरीके से हमारे घर में, और हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक हम उस सिस्टम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जब तक एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो बिलीफ सिस्टम हमारा नहीं बढ़ता है, यानी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग निगेटिव करने वाले मिलते हैं। जो हमने मार्केट में देखा है, सीखा है, जो हमने अनुभव किया है, 80% लोग हमें सिर्फ निगेटिव करते रहते हैं, 20% लोग हमें पॉजिटिव करते हैं। और वो कौन होते हैं? वो हमारे सिस्टम के सक्सेस लोग, हमारा सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अप्लायंस, ये लोग हमें क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं। और 80% लोग हमें निगेटिव करने वाले मिलते हैं। तो क्या करना है? ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से बढ़ेगा? यूज द प्रोडक्ट 100%। जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बिलीव होगा। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पे जो मिलने वाली स्कीम पर बिलीव होगा। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट पर मिलने वाली कंसिस्टेंसी स्कीम का आपको बेनिफिट, उसके आपको बिलीव पैदा हो जाएगा। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारी बीच बीच में स्कीम्स आती हैं उनके बारे में मालूम चलेगा कि नहीं, वेस्टीज आपको जो भी स्कीम, जो भी प्रमोशन के लिए दे रही है वो देती है 100%। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर 4 महीने में आपने स्कीम नहीं दी तो ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि अगर वो आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा तो और मैंने बोला नहीं और दिया तो का कोई भी जवाब नहीं होता है। अगर वो तो करता रहेगा तो आप भी तो करते रहिए, वो आपका जवाब भी नहीं दे पाएगा।
क्या करना, यूज द प्रोडक्ट 100%। अब 100% में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 100% का मतलब हो गया, मान लेते 350 प्रोडक्ट है, 14 सेगमेंट है, तो यानी सबके सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सब नहीं इस्तेमाल करने हैं, जो प्रोडक्ट आपके घर में सुबह से शाम तक इस्तेमाल हो रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं किसी दुकान से लाते हो, किसी भी मॉल से लाते हो, अगर वो प्रोडक्ट वेस्टीज में अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट आपका वेस्टीज से आना चाहिए और वेस्टीज से लेना है। जब वेस्टीज से आप लेंगे तभी वेस्टीज के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं यार इतने प्रोडक्ट कैसे ले पाऊंगा, अब तो मुझे ये तो इस्तेमाल नहीं करना फिर भी मुझे लेना। नहीं, वो नहीं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वेस्टीज से आपको प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट इस्तेमाल पे मैंने जैसे मान लेते हैं कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट अगर लेता है, जो हमारे यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं, तो वो करीब 50% to 55% बेनिफिट में रहता है। मार्केट से कंपेयर करके देख लीजिए, और जो लोग ले रहे हैं वो मार्केट से कंपेयर करके दिखा रहे हैं, तो उनको अच्छे बेनिफिट आ रहे हैं, मार्केट से सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ब्रांडेड मिल रहा है। तो इसके मतलब अगर आप किसी को बताने जा रहे हो वही प्रोडक्ट के बारे में आप बता पाओगे जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए होंगे, वरना फिर क्या होगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, रटने में होता क्या, हमारे दिमाग से वो बातें निकलती हैं तो सामने वाले के दिमाग पे अटैक करती है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो हमारे दिल से बात निकलती है और सामने वाले के दिल में घर कर जाती है और उसे बिलीव पैदा हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो 100% हम उसको प्रमोट करने में भी हमें बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। जो अब हमने प्रोडक्ट क्या किया, इस्तेमाल किया, 100% किया, अब हमें करना है उनको शेयर करना है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जाकर के शेयर करते हैं, और जो प्रोडक्ट शेयर करने का भी एक तरीका होता है जो जनरली मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ उसके हालचाल लेता हूँ, हालचाल लेने के बाद पूछता हूँ सर आपके यहाँ कौन सी चाय इस्तेमाल होती है, ये चाय इस्तेमाल, मंजन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो कोई कोई ब्रांड अपना कोई कोई कंपनी बताते हैं। मैं पूछ लेता हूँ सर जब से आप चाय पी रहे हो, जब से आप मंजन कर रहे हो, जब से आप साबुन लगा रहे हो, क्या इन साबुन मंजन तेल पे बता रहे कोई बेनिफिट मिला आपको? तो वो हमसे पूछता है भाई बेनिफिट किस टाइप का, अरे मतलब बेनिफिट इस टाइप का कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको एक्सटर्नल, आप अगर आपने साबुन इस्तेमाल किया या शैम्पू इस्तेमाल किया, हेयर ऑयल इस्तेमाल किया, तो उसकी क्वालिटी से कोई बेनिफिट मिला? तो सामने से जनरली एक जवाब आता है कि यार बेनिफिट क्या, सब तेल लगाते तो मैं भी लगा रहा हूँ, सब शैम्पू लगाते मैं भी लगा रहा हूँ, कल भी बाल झड़ रहे थे आज भी झड़ रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, हमारे यहाँ का पानी खराब है। ठीक है, तो ऐसे जवाब मिलते हैं, सब क्रीम लगाते हैं मैं भी लगाता हूँ, क्रीम किस लिए लगाई जाती है, तो मलबे नहीं सब लगाते हैं तो मैं भी लगा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अब बताते हैं सर मैं मेरी भी कंपनी का मेरी भी दुकान का एक उत्पाद है, बहुत अच्छा उत्पाद है, मैंने जब से इसको इस्तेमाल किया है उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिले हैं, कि जब मैं हेयर ऑयल इस्तेमाल करता था तो ये बेनिफिट मिले, मैंने शैम्पू किया तो ये बेनिफिट मिले, मैंने चाय पीना स्टार्ट की तो चाय के बेनिफिट बताने हैं, क्योंकि अगर आपने चाय पी रखी होगी तो ही बता पाएंगे, अगर पी नहीं रखी होगी तो माय डियर फ्रेंड्स फिर वो दिमाग से बात निकलेगी, सामने वाले के दिमाग पे अटैक करेगी और रिस्पांस भी दिमागे वाला आएगा, दिल वाला नहीं आएगा। यूज पे फोकस करना है, क्योंकि यूज कर लेंगे तो फिर वो चीज बताने में बहुत ही अच्छा आनंद आता है, और फिर आप एक दो नहीं न जाने उसके कितने बेनिफिट आप बता सकते हो। तो शेयर द प्रोडक्ट 100%, यानी जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो मैं कहूँगा उन्हीं प्रोडक्ट को आप प्रमोट करिए, उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्कस करिए और बताइए। एक बार उसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यूज कराना है, अभी उसको मेंबर, और ये बहुत सी बात सवाल है ना मार्केट में, मेंबर बनाना है, ये करना है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, हमने आकर के इस कंपनी को ज्वाइन किया है, क्यों किया, क्योंकि मैंने कार्ड बनवाया है जहां से हमें उत्पाद अच्छे और बेहतर क्वालिटी के मिल रहे हैं, एक बार इस्तेमाल किया बहुत अच्छे रिजल्ट आया तो मैं अब बार बार लेने लगा हूं। अब वो कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा होगा यार इसकी चाय इस्तेमाल करके देखता हूं, तो चाय अगर मांग रहा है तो उसको साबुन मंजन सब चीज मत दो, चाय दो। नोट कर लो किस डेट में किस बंदे को कितनी चाय देकर के आए, एक पैकेट, दो पैकेट या चार पैकेट, पहली बार में तो लगभग वो एक ही पैकेट लेने वाला है। अब देख लो इसके घर में अगर 5 लोग हैं तो चाय कितने दिन में खत्म होने वाली है, तो खत्म होने वाली मान लेते 15 दिन में, उसको 5 दिन के बाद उसको फोन करो, 2 दिन के बाद फोन करो। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फोन करेंगे तो आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी, अभी चाय का पैकेट खुला है या नहीं,
अभी तो वो पहले वाली तो नहीं चल रही है। अरे अरे क्या बताऊं, कभी कभी ऐसा होता ना कि आपने फोन किया तो पता लगा वो चाय अभी उसने पैकेट खोला ही नहीं, तो आप बताएं यार सर ठीक है वो सर आज ही मैं खोलता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ, साबुन दिया है पता लगा उसने खोला ही नहीं, वो कहीं कोने में डाल दिया, तो दो दिन के बाद फिर फोन करो। तो यानी आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना है, यहाँ तो लोग दे आते हैं उसको फिर पलट के, जब तक उसका फोन नहीं आता तब तक उसको पलट के फोन ही नहीं करते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अरे सर सेल्स की दुनिया में है हम लोग, अभी आप किसी भी बैंकिंग में चले जाइए तो पूरा डाटा मिलता है कि आज की डेट में आपने कितने लोगों से बात की है, उनका डाटा कहाँ है, उनको 24 घंटे के बाद कॉल करना है, फिर 48 घंटे बाद कॉल करना है, यानी तब तक कॉल करना है जब तक वहां से कंफर्मेशन ना हो जाए कि सर मैं लोन नहीं लूंगा, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लूंगा। सर ऐसे ही कंपनियां लाखों रुपए लोगों को मतलब सैलरी नहीं देती हैं, एक सिस्टम होता है। हम लोग यहाँ पर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर आप सब लोगों को मालूम है 1-1 करोड़ रुपए पेमेंट यहाँ अर्न कर रहे हैं। आज हमारे साथ में जो हमारे गुरु बैठे हुए हैं आज इनको देखिए सर 15 लाख रुपए इनकम है महीने की, ठीक है 15 लाख रुपए इनकी इनकम है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रूफ नहीं देना है, राइट सब कुछ प्रूव्ड है, अपने आप को प्रूव्ड करना है, ये देखना है कि हमारे जो अप्लायंस है हमारे जो गुरु है उनका काम करने का तरीका क्या है। नकल कर लो बस, जो हमें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पैदा होते ही हम नकल करते हैं, कभी कपड़े की नकल करते हैं, कभी जूते की नकल करते हैं, कभी हेयर स्टाइल की नकल करते हैं, कभी सेविंग की नकल करते हैं, कभी सूट की करते हैं, कभी साड़ी की करते हैं, कभी ज्वेलरी की करते हैं, नकल ही तो करते हैं। और जिस चीज की हम नकल बखूबी कर लेते हैं उस चीज को हम प्रचार भी बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं, क्या बात है यार उसकी मिठाई बहुत अच्छी है, उसके यहाँ पर कपड़ा अगर लेने जाओ यार बहुत सही सटीक कपड़ा देता है, बहुत अच्छा देता है, कलर फिट नहीं होता है और उसके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है और 1 रुपए भी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कितना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमने नकल बहुत अच्छी कर रखी थी इसलिए हम प्रचार बहुत अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर भी केवल वही करना है जो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है, एक बहुत अच्छी नकल हम कर सकते हैं क्योंकि बचपन से करते हुए आए हैं, और जो इंसान बहुत अच्छा नकलची होता है वो बहुत अच्छा प्रचारक भी बन जाता है, राइट। अब ये नकल जो की है जो और प्रचार जो करना है, करना कहाँ है, अपने लोगों के बीच में करना है। अब तीसरा पॉइंट आता है मेंटेन आवर कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों है, प्रचार ही तो करना है, लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा दिमाग है काफी इस पर ट्रेनिंग्स होती हुई है, जो ब्रेन है इस ब्रेन में 60,000 विचार एक दिन में आते हैं, यानी 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं और जाते हैं। इन 60,000 विचारों में हमारी वो लिस्ट होती है, वो लिस्ट कब कहां पर खो जाती है हमें पता नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पे अपने मोबाइल फोन को देखिए, आपके मोबाइल फोन में कितने लोग मतलब आपके नंबर फीड हैं आपको खुद नहीं मालूम है, उनमें किन किन लोगों के नंबर फीड है ये भी नहीं मालूम है। जब वो नाम सामने आता है तब हमें लगता है कि मेरे मोबाइल में इनको कॉन्टेक्ट नंबर है, वो नाम कोई ना कोई लेता है। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, उसमें सबको एक सीरियल से नाम लिख लेने हैं, मोबाइल फोन में जितने नंबर हों वो निकाल करके आप डायरी पे लाइए, जो आपके फेसबुक पे हों उनके नंबर लाइए और जो छूट गया उनके भी नंबर लाइए। जहां जहां पर आप जाते हैं जैसे मान लेते हैं किसी शादी में गए किसी पार्टी में गए तो वहां से वो जो नंबर उनको सबको आप लिस्ट में लाइए, ठीक है। लिस्ट का बहुत अच्छा तरीका होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है, ऐसे करके आप बनाएंगे तो उसमें नेम डालेंगे, नेम सीरियल नंबर डाल लीजिए, नाम डाल लीजिए, नाम के बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद में आप डालिए उसका ऑक्यूपेशन कि वो बंदा करता क्या है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो सरकारी कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है। उसके बाद में डालिए उसका एड्रेस, एड्रेस भी डाल सकते हो, एड्रेस दो तरीके से डाल सकते हो, अगर लोकल का है तो आप एड्रेस ऐसे डाल सकते हो, या आप किस शहर का है तो आप इस शहर डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी, मैं कहता हूँ ये लिस्ट जितनी बड़ी जिसकी होती है सक्सेस उसकी उतनी बड़ी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं सर लिस्ट है मेरे पास, लेकिन यकीन मानिए मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने भी कई बार झूठ बोला है कि मेरी लिस्ट है और मैंने लिस्ट बनाई नहीं, 1.5 साल तक लिस्ट बनाई नहीं,
उसके भी परिणाम मैंने सामने मेरे आए हैं और बहुत से लोगों के सामने आए भी होंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर आने वाला लगभग 99.99% लोग ऐसे ही करते हैं जैसा मैंने किया है। तो लिस्ट बनानी है, ये सवाल आपको अपने आप से करना है और अपने आप को ही जवाब देना है। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन पर कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद के से कोई भी झूठ नहीं बोलता है। आप जब भी झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो करना क्या है कि लिस्ट बनानी है, अपने आप के लिए बनानी है, अपने ड्रीम्स के लिए बनानी है, जो आपने कमिटमेंट कर रखा है अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने मम्मी पापा से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, या अपने बच्चों से, जो भी कमिटमेंट कर रखा हो। इतने लोगों से नहीं, अपने रिलेटिव से कमिटमेंट कर रखा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये बनने जा रहा हूँ, इतने दिन में मेरे पास कार आ जाएगी, इतने दिन में मेरे पास घर बन जाएगा, ये मैं हाउस फंड के द्वारा घर बनवाऊंगा, कार फंड के द्वारा कार लाऊंगा, मतलब मैं विदेश घूमने जाने वाला हूँ, तो ये सब कमिटमेंट किया है। तो उनके सामने आप हंसी के पात्र ना बने, तो प्लीज अपने समय का सदुपयोग करें, ईमानदारी से कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं। कॉन्टेक्ट लिस्ट जब बन जाए तो उनमें से अब ये देखें कि पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस को करना पसंद करेंगे, जिनके साथ आप बिजनेस करने में आपको अंदर से एक कहते ना आनंद की अनुभूति होगी, जिनके साथ बैठने से, जिनसे बात करने से, जिनके साथ मतलब रहने से कहते ना मजा आता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी ही एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है। ऐसे लोगों को इस लिस्ट में अलग कर लो, जिसको मैं हॉट लिस्ट बोलता हूँ। हॉट लिस्ट का मतलब होता है, हॉट लिस्ट मतलब वो बंदा जो कि हॉट लिस्ट में हम डालते हैं माइंड पावर आता है, माइंड पावर यानी वो बंदा जो मनी माइंडेड हो, यानी मनी माइंडेड जो भी बंदा होगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूँ कि उस बंदे के साथ उठते बैठते सामने जाते हुए आप उसके अंदर तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो क्या होगा ना, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी, मजा आएगा उसको मिलते ही, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। मैन यानी जो मनी माइंडेड होगा, वो बंदा जो एम्बिशियस होगा, जो बंदे एम्बिशियस होते हैं उन्हें अथॉरिटी भी होती है, अधिकार भी होता है अपने निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का। तो ये कौन लोग लेते हैं निर्णय डिसीजन, जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग हाईली ड्रीमर होते हैं, यानी माइंड पावर के लोग होते हैं, मनी माइंडेड लोग होते हैं। सर लास्ट आता है मैन, यानी एन फॉर नीड, और ऐसा व्यक्ति जो नीडी हो, देखो ना जिसकी इनकम मान लेते इस समय, जिसकी मान लेते किसी की सैलरी 25,000 है लेकिन उसकी इस समय जरूरत 50,000 की है, ये बंदा नीडी भी तो है। या जिस बंदे की इनकम 1,00,000 है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं जो 1,00,000 से पूरे नहीं होने वाले हैं, तो वो भी तो नीडी है ना, उसे भी तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो मैन पावर यानी इस पूरी लिस्ट में जो 1,500 की लिस्ट आपकी है, उस लिस्ट में मैन पावर के कम 52 लोगों को आप निकाल करके बाहर लाइए। कितने लोगों को, 52 लोगों को उस लिस्ट से बाहर करिए। उस लिस्ट का नाम दीजिए हॉट लिस्ट। इस हॉट लिस्ट को पहले तो आप अपनी एजुकेशन पूरी तैयारी कर लीजिए, और इस हॉट लिस्ट को विद इन 30 डेज के अंदर आप इन्हें अब क्या करना है, समय लेना है, यानी 30 डेज में इनसे मिलना है। 30 दिन में आप इनसे मिलेंगे और अपने अपनी योजना के बारे में बताएंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स अपने अपलाइन के साथ जा करके इनसे मिलना है, और अपलाइन की करनी है नकल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन दो ही बार प्लान देता है और वो उस पूरे प्लान को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लेते हैं, और अगला तीसरा या चौथा प्लान अपलाइन के सामने ही पूरा प्लान देते हैं, ताकि ये भी कंफर्मेशन हो जाता है, अपलाइन मोहर लगा देता है कि अब आप एक प्लानर बन गए हो और प्लान देना शुरू कर दीजिए। तो कोशिश करिए कि जो हॉट लिस्ट है अपने अपलाइन के साथ मिलकर के जितने भी जल्दी उसको खत्म कर लीजिए, 10 दिन में, 15 दिन में, यानी विद इन 30 डेज उसे फिनिश करना है, और उन्हीं में से अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, भीड़ नहीं बढ़ानी है। मैंने लिस्ट तो बनाई है 52 लोगों की, जरूरी थोड़ा ना कि 52 लोग ही हमारे साथ आ जाए, नहीं, सिलेक्शन करना है। आपको डिसाइड करना है मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, उनको नहीं डिसाइड करने देना है कि आप कैसे होने चाहिए। आपको डिसाइड करना है उन 52 लोगों में से मेरे साथ वो कौन से 4 से 6 बंदे जिनके साथ मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा, जो मेरे
मेरे दिमाग के लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, जहां पर मैं कूद जाऊंगा उससे पहले वो कूदने वाले लोग हैं। उदाहरण के तौर पर इस समय महाभारत आ रही है। अब महाभारत में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन दुर्योधन और कर्ण की देखिए ना कैसी कैसा बॉन्ड है। तो इन 52 लोगों में से हमें ऐसे ही बॉन्ड को क्रिएट करना है। वो जान रहा है कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, उसके बावजूद भी नहीं, बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत है, वो हर चीज को ठुकरा करके कूद पड़ रहा है हर जगह। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना तगड़ा बॉन्ड हो, उन लोगों को सिलेक्ट करना है। सर का जो कैलकुलेशन है 100 PV का, वो बहुत जबरदस्त है। यानी एक साल में 5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी पर इसी बॉन्ड के द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ये बॉन्ड के लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सेलेक्ट आप तब कर पाएंगे जब बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होगा। बिलीफ सिस्टम कहाँ से आएगा, जो सर ने बोला है, पहला पॉइंट यूज द प्रोडक्ट 100%। मैं तो कहूंगा इसको 1000% करिए, शेयर द प्रोडक्ट 100% करिए, कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। तो उस लिस्ट जो हॉट लिस्ट में है, ऐसे लोगों से करना है। तो अब यहाँ पर जब सरकार ने समय लिया, अपलाइन यानी अपलायंस का समय लिया, तो समय लेने का एक तरीका होता है। लास्ट पॉइंट है सर, हाउ टू टेक टाइम। यानी अब जो हमें 30 दिन में लोगों से अप्रोच करनी है, मिलना है, तो मिलना कैसे है सर? मिलने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है जिसको हम फॉर्म कह सकते हैं, FORM। यानी जब हम उससे बात करते हैं, उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछना शुरू कर देते हैं, यानी फैमिली में घुसना शुरू कर दो, फैमिली के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दो। जैसे उनके हालचाल पूछोगे, फैमिली के बारे में डिटेल पूछोगे पूरी तरीके से, तो आपके साथ वो जुड़ना शुरू कर देगा, है ना। फिर उसके काम धंधे के बारे में पूछिए, कैसा चल रहा है, और बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसकी तारीफ करते जाइए, इतनी तारीफ करिए, इतनी तारीफ करिए उसके काम की, उसकी फैमिली की तारीफ करिए। अंत में वो रो देगा, यार तुम इतनी तारीफ करे यार, चले जा रहे हो, मेरे को 20,000 रुपया वहां से मिल रहा है, साला मेरा यहाँ पर 35 से 40 हजार का खर्चा है, यही तो मैं चाहता था। ये आपको भापना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भापना पड़ेगा सर, स्कैनर बनना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रोडक्ट है ना स्कैनर वाला, उसका क्या नाम है, जेनोडर्मा, वो स्कैन कर लेता है सर, स्कैनर बनना पड़ेगा। यानी सामने से गुजर जाए बंदा, सब तुरंत जान जाओ ये आज ड्रीमर है, तो उसको कैसे, उसकी हर चीज को भापना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातों को करना है जिससे वो अंदर की बात को निकाल करके सामने लाए, है ना। तो फैमिली के बारे में पूछना है, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, ठीक है ना। उसके बाद FORR होता है, और रिप्लाई, जैसी बातें आप करोगे या सामने से भी वो वैसी बातें करेगा, रिप्लाई करेगा, वो भी रिप्लाई करेगा, वो भी आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, एकदम बिंदास होकर के बात करो, जबरदस्त यार, मम्मी पापा बहुत मस्त हैं, ठीक है ना। वो आपके, और आपको पेशेंट पे पूछे इससे पहले ही आपको बोलना है, क्योंकि अब आपको मैसेज छोड़ना है। FORM फॉर एम फॉर मैसेज छोड़ना है। कल जब से यार मैंने अभी बहुत, मैंने आज जो कॉल किया है उसके पीछे एक और भी कारण है, वो ये है कि मैंने जब से बिजनेस की शुरुआत की है तब से अभी मैंने शुरुआत नहीं कर पाई है, मैं अभी सीख रहा हूँ। और जिस दिन से मैंने सीखना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरे, पहले तो मेरे ऊपर मन पर जितना बोझ रहता था वो एक दूर हो गया। मैं धीरे धीरे क्या होता था, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा था, वो आज की डेट में मैं पूरी पूरी तरीके से और रिलैक्स हूँ, राइट। तो ये चीजें बताइए उसको, ऐसे ऐसा बताइए कि वो आपकी बातों को सुनकर के वो आनंदित होना स्टार्ट कर दे। अब अगर आपके अंदर भय होगा, डर होगा, तो आप ये चीजें डेवलप नहीं कर पाएंगे। यानी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स होंगे तो आप उसको, मतलब वो माहौल नहीं दे पाएंगे जो खुशी का माहौल होता है, ठीक है, खुशी का माहौल होता है, वो चीज आप नहीं दे पाएंगे, राइट। तो खुशी का माहौल देना है सर, तो खुशी का माहौल आप तभी दे पाओगे जब आप खुश होगे, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग होगा। और कहते हैं ना, एक इंसान जो हैप्पी हैप्पी होता है वो दूसरे को भी हैप्पी कर सकता है, जो हैप्पी हैप्पी होता है वही दूसरे को हैप्पी रख सकता है, जो रोता हुआ होता है यार दूसरे को रुला देगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि हैप्पी होकर के जाइए, जिसके पास भी जाइए यार, हैप्पी होकर के जाइए, खुश होकर के जाइए। कई बार मेरे साथ हुआ है, आज मैं बता रहा हूँ विद्वान सर, बहुत समय ऐसा मेरा गुजरा है कि मैंने मेरे घर में
आटा तक लाने के लिए कभी कभी पैसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना स्माइली रहता था, पत्नी को एहसास नहीं होने दिया कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने मतलब चेहरे पर कभी ऐसी मतलब कहते ना कि अपने एक्सप्रेशन नहीं आने दिया कि मैं अंदर से कितना खुला हूँ। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मैं जिस मिशन पे काम कर रहा हूँ अभी, जैसे सर ने कहा छुपे रोस्तम, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा मेरा टारगेट बना के रखा है। मैं आपको 2024 में इस बेस्टीज में एक अपना अलग पहचान बना करके दिखाने वाला हूँ, अलग पहचान। जैसे कहते ना कि वो टॉप 10 में कितने आते हैं, टॉप 100 में कितने आते हैं, जैसे आज बेस्टीज ने दुनिया में टॉप 30 में अपनी एक पहचान बना के रखी है। मैं बता रहा हूँ, इन 15 साल में जो मैंने सीखा है, जो मैंने त्याग किया है, जो मैं खून के आंसू रोया हूँ, उन सबको मैं आज धोने वाला हूँ 2024 के अंदर अंदर, बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाला हूँ। और मुझे आज बिलीव वो आकर के आज बेस्टीज पे पूरी तरीके से जम गया है। अपने ऊपर बिलीव मुझे आज के 15 साल पहले ही था। सिस्टम जो मैंने गलती की थी आज 2013 में, वो गलती अब थोड़ी वो चीजें बहुत हैं जो कहीं कहीं हिला देती हैं। मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि आप लोग प्लीज लोगों से सीखिए जो मैंने कभी कभी गलती की है। कहते ना जो इंसान गलती करता है वही लोगों को राय भी देना शुरू कर देता है, पहले तो राय मानता नहीं है, बाद में राय देना शुरू कर देता है, अजीब विडंबना है। तो हाउ टू टेक टाइम का एक बहुत बड़ा लॉजिक है सर। हाउ टू टेक टाइम का मतलब सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि अगर हमने किसी भी बंदे का समय नहीं लिया है और हम उसको प्लान देने पहुंच जाते हैं तो फिर गुड़ गोबर होने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे जीजा हैं, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, और इनको तो जब चाहूंगा तब प्लान कर दूंगा, और ऐसा ही करते हैं। अमूमन हम ऐसा ही करते हैं सर। और मैं मान लेते हैं मैं पहुंच जाता हूँ फूफा जी के पास, और फूफा जी ऑफिस से आए हुए होते हैं, और फूफा जी की ऑफिस में आज क्लास लगी होती है, उनका बॉस उनको बहुत टाइट कर देता है किसी कारणवश, और हम पहुंच जाते हैं प्लान देने। यानी शाम को 5 बजे ऑफिस खत्म होता है, मैं 5:30 या 6 बजे पहुंच जाता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। तो ऐसी गलती प्लीज ना करें कि वो मेरे फूफा जी हैं। ऐसी गलती प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी गलती ना करें, ये मेरे भैया जी हैं, मामा जी हैं। आज मैं डॉक्टर विजय तिवारी पूरे होशो हवास में आपसे एक बात कहने जा रहा हूं कि आज मैं बेस्टीज में एज ए डायमंड डायरेक्टर हूं। मैं मेरे 4 भाई और 3 बहनें, मैं उन 4 भाई 3 बहनों में लास्ट भाइयों में 4th नंबर का हूं, और बहनों में एक बहन मुझसे छोटी है। इन 7 लोगों के फैमिली में अभी तक, मैं जब डायमंड डायरेक्टर जिस दिन बना था तब तक मेरे घर में किसी ने मेरे कंपनी की चाय, मंजन, साबुन इस्तेमाल नहीं किया। मैं मुझसे बड़े वाले भाई के साथ ज्यादा पटती है, तो मैंने उनकी एक आईडी लगा रखी थी, आज वो 17% पे हो गए हैं। अभी लास्ट महीने में उन्होंने हमारी कंपनी से करीब 2,500 रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए, 2,500 के। पहली बार मेरी आंखों से आंसू आ गए। आज किसी एक मतलब मेरे परिवार में मेरे भाई ने आज मेरी कंपनी के उत्पाद पर, या यूं कहें मेरे ऊपर किसी भी कारण बिलीव किया और 2,500 से 3,000 की खरीदारी करके ले गए। सोचिए, मैं आज 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, कहीं ना कहीं उनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है ये काम वो लोग करते हैं जो कोई नहीं करता है, फालतू के लोग होते हैं वो करते हैं। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जो ड्रीमर होता है वो फालतू का होता है, या ऐसे ही लोग इसको काम करते हैं। वो लोग जो अभी अगर मेरे को कुछ हो जाए और 2-4-5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो वो भाई मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भाइयों ने मेरी चाय नहीं खरीदी है अभी तक, मंजन नहीं खरीदा है, यहाँ तक कि अभी मैंने एक सिस्टर को ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्साइल और कोलेजन और क्या नाम कैल्शियम ये दिया, ताकि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और उन्हें बेनिफिट हो रहा था। लेकिन जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने मना कर दिया।
भाई कहाँ इन फालतू की कंपनियों का प्रोडक्ट खा रही हो, कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। और यार मैं बता रहा हूँ, मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, 2 महीने के बाद तीसरे महीने उन्होंने लेना छोड़ दिया, नहीं लिया, है ना। तो सर आप सोचिए थोड़ा, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूँ। एक लोगों ने शेयर किया, क्योंकि मैं लोगों से शेयर करता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ कि कहते हैं कि एक आदमी होता है ना, लोहा गर्म हो हथौड़ा मार ले, एक दूसरा व्यक्ति आता है लोहा ठंडा हो जाता है तब हथौड़ा मारता है और पस्त पड़ के पीछे हट जाता है। मैं यार वो इंसान हूँ ना, हथौड़ा तब तक मारता रहता हूँ जब तक लोहा ठंडे से गर्म में ना बदल जाए। तो मैं पीछे नहीं हटा, मैंने कहा ठीक है, जितने घाव देने हैं दीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग कहोगे यार मैं जानता था ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा जिद्दी है और एक दिन अपने आप को सफल करके दिखा देगा और ये मैं इतिहास 2024 के पहले पहले इतिहास बनाने जा रहा हूँ। तो हाउ टू टेक टाइम में जाइए, तो आप ये ना देखिए मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, ये कौन है कौन है, कुछ नहीं यार। आप एक प्रोफेशनल बन के जाइए, आप एक ड्रीमर बन के जाइए और उनसे डायरेक्टली टाइम लीजिए, और टाइम जहां तक है फोन पे लीजिए। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं जीवन में, करना चाहते हैं तो, और टाइम कहते हैं ना लिया हुआ होना चाहिए, जब आप टाइम लिया हुआ होगा तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। कभी कभी क्या होता है, मैं ये कहानी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, जब टाइम लिया हुआ कहते ना कि होता क्या, टाइम अगर हमने सही कहते ना TPP, टाइम प्लेस और पर्सन, टी फॉर टाइगर, पी फॉर पैरेट, यानी TPP, टाइम प्लेस और पर्सन, ये सिलेक्टेड होने चाहिए। टाइम लिया हुआ होना चाहिए, टाइम लिया हुआ ही होना चाहिए, पी प्लेस पीसफुल होना चाहिए, जहां पर आप और सामने वाला यानी जो आपका प्रोस्पेक्ट है शांतिपूर्वक बात कर सके ऐसी जगह पे। ये नहीं कि पार्क में बैठ के प्लान करने लगे, ये नहीं आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के प्लान करने लगे। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही है ना, इन्वेस्टमेंट की कंपनियां, वो लोग झांसा देते हैं ना, होटल बुलाते हैं, आइए मीनू सेलेक्ट कर लिया, 1,000-2,000 खर्च किया और आपसे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करा लिया। सर ऐसे प्लेस पे प्लान नहीं करना है, हम यहाँ पर किसी को फंसाने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक बिजनेसमैन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं पीसफुल, उसके जहां तक हो उसके घर पे समय उसका लो, या तो अपने किसी इवेंट में बुलाइए, उसे माहौल में लाइए, यानी पीसफुल प्लेस होना चाहिए जहां पर वो 1 घंटे बैठ करके आपकी बात सुन सके और आप उसकी भी बात सुन सके, राइट। तीसरा पॉइंट होता है पर्सन, जो अभी मैंने लास्ट में बताया था कॉन्टेक्ट लिस्ट में, पर्सन यानी मैन पावर। तो टाइम प्लेस पर्सन ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, इस कहानी से आप समझ जाएंगे। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है छोटा, तो वो धीरे धीरे जब स्कूल पढ़ रहा होता, अपने फ्रेंडों के बीच में रह रहा होता सर, उसको सब लड़के बात करते हैं कि आगे क्या करोगे, तो उसका भी एक सपना होता है। हर जैसे हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, अपने फ्रेंड के बीच में रहते हैं तो हम लोग ड्रीम देखते हैं, तो उसका भी एक ड्रीम था कि जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी शादी करूंगा, और मैं जब अपनी शादी करूंगा तो मेरी पत्नी आएगी, और मेरी पत्नी आएगी तो मैं उससे जो गोल्डन नाइट होती है उसमें मैं उससे गाना सुनूंगा। क्या सुनूंगा? गाना। मैं उसका एक सपना था बचपन से, सपना क्या था, मेरी शादी होगी, शादी जब होगी तो मेरी पत्नी आएगी तो गोल्डन नाइट का मेरा जो सपना है मैं अपनी पत्नी से एक गाना सुनूंगा। धीरे 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 उम्र बढ़ती जाती है और एक दिन वो आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होकर के उसकी पत्नी आती है, जब तो पत्नी आती है तो गोल्डन नाइट में वो सपना, भाई उसका सपना है ना, तो वो सपना सुन कहता है, शेयर करता है अपनी पत्नी से कि देखिए मेरा बचपन से एक सपना था कि एक दिन मेरी शादी होगी और आप मेरी धर्म पत्नी बनकर के आएंगी और मुझे एक गाना सुनाएंगी। अब पत्नी के तो पसीना आ जाता है कि मेरे हस्बैंड का बचपन से ये सपना था कि उसे एक गाना सुनना है, वो भी अपनी पत्नी से, और मुझे गाना ही नहीं आता है।
तो बड़ा वो प्रयास करती है कि नहीं नहीं मैं क्या करूं, ये जी सुनिए मुझे गाना नहीं आता, प्लीज नहीं गा पाऊंगी, प्लीज नहीं गा पाऊंगी, प्लीज नहीं गा पाऊंगी। वो तो एकदम कतई एकदम रुद्र रूप लेता है कि नहीं गाना तो सुनाना ही पड़ेगा, ये तो मेरा सपना है, अब मेरी दोबारा शादी नहीं हो सकती कि मैं दूसरी पत्नी लाऊं और गाना सुनूं। तो भाई मजबूरी में फिर क्या करे, मरता ना तो क्या करता है, सपना है मेरे पति का, सपना है और पहला दिन है, और आज ही के दिन अगर हमारे संबंध खराब हो जाएंगे तो पूरा जीवन कैसे चलेगा सर। तो पत्नी कहती है कि ठीक है मैं गाना सुनाती हूँ। तो वो गाना सुनाती है पत्नी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे अपनी बहन को ना भूलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो गाना हो जाता है, गाना वो सुनता है, इसके बाद क्या होता है, अब पत्नी जिद करती है कि देखो भाई मेरे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी, अब मैंने गाना आपको सुनाया, प्लीज अब गाना तो आपको भी सुनाना पड़ेगा, गाना आपको भी सुनाना पड़ेगा। तो अब भाई वो भी गाना नहीं जानता था, गाना सुनने का मतलब बड़ा शौक रखता था, तो वो भी गाना सुनाता है और कहता है तूने मुझे ऐसा गाना सुनाया तो मैं भी तुझे गाना सुनाऊंगा, और वो भी गाना सुनाता है। वो कितनी सुंदर हो, वो कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, ओ कितनी प्यारी हो, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, प्यारी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, ये दोनों गाने गलत थे क्या, ये दोनों गाने गलत थे क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये गाने गलत नहीं थे, ये दोनों गाने गलत नहीं थे सर, ये दोनों गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन सर टाइम प्लेस और पर्सन, क्या ये समय था इन गानों का? नहीं था, नहीं था इन गानों का ये समय नहीं था। क्या जो पर्सन गाना गा रहा था, जो पर्सन सुन रहा था, उसके हिसाब से ये गाना था? नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम प्लेस और पर्सन इनका बहुत ध्यान रखना है, इनका बहुत ध्यान रखना है। आप अक्सर वहीं पे फेल होते हो जहां पर आप सिस्टम को ब्रेक करते हो। अरे उसे गाना नहीं आता था तो मत गवाता भाई, राइट ना? तो अभी जो लोग अभी उनसे टाइम लीजिए कि फूफा जी क्या ये समय उचित है आपसे बात करने का, आपसे किसी बिजनेस पर डिस्कशन करने का, मामा जी ये उचित समय है? अगर मामा जी बोले तो मामा जी को बोलो कि मामा जी प्लीज एक घंटा मुझे चाहिए आपके जीवन का, और उस घंटे में मुझे सुनना है, क्योंकि मैं ऐसे शख्सियत के साथ आपके घर आ रहा हूं आज जिनका कीर्तिमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में विख्यात है सर, ऐसे शख्सियत के साथ मैं आ रहा हूं, आज उन्होंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो आज लखपति बन गया, आज लाखों रुपए उसकी आमदनी हो गई, आज अपने सपनों को फुलफिल कर रहा है, आज उसके घर में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं सर, आज वो जिधर भी जिसके साथ हो जाते हैं वो सर एंजॉय करने लगता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो अगर समय हो तो प्लीज मैं आऊं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब समय हो तब बता दीजिएगा। लेकिन हमें क्या होता है ना सर, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या चल रही होती है, अगर उसने नहीं ज्वाइन किया तो मैं सफल कैसे होऊंगा,
मैं बता रहा हूँ वेस्टीज में, जब मैंने अभी दोबारा वेस्टीज को स्टार्ट किया, इससे पहले मेरा जो नेटवर्क था 2140 लोगों का था, और मैंने वेस्टीज में एक दिन 2140 लोगों का नेटवर्क छोड़ करके मैं दूसरी कंपनी में चला गया, और मैंने वहां पर भी एक नेटवर्क क्रिएट किया, वहां से फिर छोड़ करके वेस्टीज में आया, आज यहां से फिर से नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं, और इस समय 2900 लोगों का नेटवर्क हो गया है। तो सर ये डिसाइड आपको करना है, जहां पर आप खड़े होंगे लाइन वहीं से लगेगी। अमिताभ बच्चन की बात याद कर लेना सर, मैं वो इंसान हूं जहां पर खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से लगती है, ऐसी मानसिकता पैदा करिए यार। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस आपके हाथ में है। बस मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करते हुए और चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। तो चंद लाइनें हैं, पहले तो एक छोटी सी कहानी है। एक इंसान था, एक लड़का था, वो बड़ा सरफिरा टाइप का था, और उसे मालूम था कि कोई एक बाबा है, वो बाबा बता देते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो बाबा के पास जाता है और बाबा उसको चेक करता है, यार ऐसे बाबा थोड़े हो सकते जो मन में कुछ कुछ भी सोच लो और वो बता देंगे। तो भी वो एक क्या करता है, एक गौरैया का बच्चा लेकर के जाता है बाबा के पास। वो रास्ते पर सोचते हुए जाता है कि अगर बाबा से पूछूंगा कि मेरे हाथ में क्या है तो वो बता देंगे गौरैया का बच्चा है, तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगा कि ये गौरैया का बच्चा जिंदा है या मुर्दा है। तो बाबा बता देंगे जिंदा है तो मैं इसको मार दूंगा हाथ में, अगर बाबा बोलेंगे कि ये मुर्दा है तो मैं इसको उड़ा दूंगा। तो ऐसा सोचते हुए वो गौरैया का बच्चा लेता और रास्ते पर जाते हुए सोचते हुए पहुंचता है बाबा के पास, और बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी प्रणाम, मैं बाबा जी आपके पास आया हूं और मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं, ये बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आपके हाथ में गौरैया का बच्चा है। अब पूछता है अच्छा बाबा ये बताओ ये जो गौरैया का बच्चा है जिंदा है या मुर्दा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो गौरैया का बच्चा तेरे हाथ में है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू चाहे इसकी जिंदगी को खत्म कर दे और तू ही चाहे इसकी जिंदगी को उड़ा दे या आबाद कर दे। तो ऐसे ही हमारे ड्रीम होते हैं उस गौरैया के बच्चे की तरह, ये हमारे हाथ पर, हमारी नीयत, हमारी सोच पर डिपेंड करते हैं। हम चाहे इसी हाथ में उनका गला दबा दें, उनका गला घूंट दें, और चाहे इनको आजाद कर लें, ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो चलते चलते बस कुछ लाइनें हैं कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। ये लाइनें हमें बहुत मोटिवेट करती हैं कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोक दे पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर भी जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहाई वो तक खून पसीना, क्या करेगा किया करेगा बस मनुष्य कातर कंदन, क्या करेगा किया करेगा बस मनुष्य कातर कंदन, या तो जीत प्रीत के बल पर या तेरे पग चूमे तस्कर, या तो भैया आतंकवादी बन जाओ, ओसामा बिन लादेन बन जाओ, ऐसे आतंकवादी बन जाओ, या फिर कीर्तिमान स्थापित करो, या तो जीत प्रीत के बल पर या तेरे पग चूमे तस्कर, और युद्धम दे कहे जब पावर देन दुहाई पीठ पर फेर कर, युद्धम दे कहे जब पावर देन दुहाई पीठ फेर कर। मतलब अब ये नहीं है कि पीठ फेर कर घूम गए, मुसीबतों का सामना करने के बजाय हार मान करके बैठ गए। जो लोग हार मान करके बैठ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो लोग सामना करते हैं एक दिन जीत जाते हैं। ये कहते हैं ना कि जो संघर्ष करने वाले होते हैं वो आज नहीं तो कल जीतते जरूर हैं। तो जब ये लोगों ने कहा है तो जीत सकते हैं। तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत था, तेरी राह रोक दे पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। बस सर आज मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान सर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक बार और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आज आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग थी, बहुत ही मतलब अल्टीमेट, मैंने पहली बार आपको इतना सुना, मतलब यू आर ऑसम, बहुत ही शानदार, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी, एक मिनट सर, एक बात कहना भूल गए सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। मैं अपने 15 साल का अनुभव मेरे अपलाइन रहे हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और मैं जहाँ से मैंने सीखा है, लेकिन मैंने लास्ट में अंत में जाकर के देखा वहाँ पे राजनीतियां बहुत हुई। तो मुझे आज जो अपलाइन मिले हैं रिजवान सर, मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार ताली, और इनके लिए जो आज मेरे जहन में, जो आज मेरे दिल में, जो मन में जो सम्मान है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ऐसा अपलाइन अभी तक मुझे 15 साल में नहीं मिला। थैंक यू सर, थैंक यू।
मैं थैंक्स कहूंगा कि अपलाइन के लिए मुझे अपलाइन मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही कमाल की रही. और सर मैं तो सर बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा अनिल मिश्रा जी का जिनके थ्रू मुझे आप मिले. मतलब बहुत बहुत सादे हैं, बहुत आराम से रहते हैं, बहुत सीधे साधे हैं ना, कभी कभी दिखाई देते हैं. बहुत मतलब बहुत अच्छी मतलब उनकी मतलब बहुत अच्छा उनका नेचर है. चलिए दोस्तों ये सबसे हमारी ट्रेनिंग है, ये भी हमने शुरू करी है, ये भी हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे आपको नए लीडर से मिलना. सर मैं अभी भी दिखा रहा हूँ. हाँ जी कुछ लोग फीडबैक दे रहे हैं. मीटिंग कैसी लगी? बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी. थैंक यू सर. थैंक यू. घनश्याम जी. हाँ सर गुड मॉर्निंग. मैं वेट ही कर रहा था कि लोग फीडबैक देने. बहुत शानदार ट्रेनिंग थी. सर की बातों से नजर आया कि सर ने ग्राउंड पे काफी काम किया है और एक लीडर ऐसे ही लीडर नहीं बनता है, बहुत सारे काम करता है, सिस्टम को फॉलो करता है तभी जाके बनता है. बहुत बेसिक काम बातें बताई सर ने और इन बातों को फॉलो करना चाहिए और अगर फॉलो करते तो सक्सेस मिलेगी 100% मिलेगी. थैंक यू सर, आपका गाना बड़ा शानदार था. हाँ जी और कुछ देना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी सर. हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुना सुना रही सर, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सीखने को मिला. बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि वादा लेना नहीं है, वादा लेना है लेना नहीं है. अक्सर लोग नहीं गलती कर जाते हैं कि प्रॉमिसेस की तरह फंस जाते हैं. हम करेंगे हम करेंगे तो बहुत अच्छा था. और गाना तो भाई पीपी बहुत अच्छी थी, ये मतलब याद छप गया है दिमाग में. पीपी याद रखना है, गलत जगह पे गलत आदमी से गलत टाइम पे बात नहीं करनी. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीखने को मिला. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी महिपाल जी. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जो विजय जी ने बहुत बढ़िया बताया और पहली बार सुना है और विजय जी का जो सारा प्रैक्टिकल इन्होंने प्रैक्टिकल ही सारा दिखाया और मुझे जो इन्होंने फॉर्म का बारे में बताया बड़ा अच्छा लगा. मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को सीखा है और मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी तो आज मुझे अच्छा लगा. मैं आज विजय जी को सुना. मैं ये भी चाहूंगा कि आगे आगे सीखता रहूं. थैंक यू विजुअल. थैंक यू सर. थैंक यू विजुअल जी. हां जी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. चंद्रवीर कानपुर से बोल रहा हूँ सर. बहुत ही आज अच्छा लगा मीटिंग में, बहुत सी चीजें ताजी हुई, रिवीजन हुआ, बहुत ही जबरदस्त काम करने मजा आएगा इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीखते हुए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गौरव बोल रहा हूँ. हाँ जी गौरव जी बोलिए. सर मीटिंग बहुत अच्छी लगी, आप काफी कुछ आपसे सीखने के लिए मिल रहा है और आज काफी कुछ सीखने को मिला जो हमारे मिस्टेक थी और हमें अपने अंदर क्या क्या ग्रोथ करनी चाहिए और किस तरह से टीम को अपना नेटवर्क बनाना चाहिए. काफी कुछ स्पीकर और मिस्टेक का भी पता चला कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो हमारी नेटवर्क अब तक कम हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे. बहुत अच्छा लगा. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ जी विनीत कुमार जी. हाँ जी सुरेंद्र बोल रहे हैं सर. जो है सर आज चीज एक महसूस ये हुआ सर जो है कि मैं डॉक्टर साहब से रेगुलर काम करता हूँ. हाँ. रेगुलर काम करता हूँ और पर डे बात होती है, पर डे सुनते हैं, समझते हैं सारी बातें, घर आ जाने सारी बातें. लेकिन जितनी बार लीडर को सुनो पता नहीं कौन सी बात कहाँ से निकल के आ जाती है, वो हमें हिट कर जाती है. यस यस. आज मुझे रियली महसूस हुआ एक पॉइंट पे, वो मैं बोलना चाहूंगा कि इन्होंने क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, मैंने लिखा भी है. एक पॉइंट था इन्होंने बताया था कि हाँ टीपीपी वाला टाइम प्लेस एंड पर्सन. Yes, वो बहुत मस्त आज लगा जो है, बड़ा दिल को छू गया पॉइंट वो जो है.
यस सर, और दिल से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, हमारे सीनियर अपलाइन इतने अच्छे ग्रेट हैं और इतना हमें सपोर्ट करते हैं, इतना आनंद आता है, और मैं जिस चीज को बिल्ड कर पाऊँ तो सिर्फ इन्हीं की ताकत है, नहीं तो मैं तो बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूँ यही समेट करके यही संभाल करके मुझे चलाते हैं, बड़ा आनंद आता है, अच्छा लग रहा है, और अब सपने मेरे पूरे होंगे 100% मुझे फील हो जाती है। थैंक यू सर रिजवान सर, थैंक यू सर डॉक्टर विनीत कुमार जी। हाँ विनीत जी हैं, हाँ विनीत कुमार जी। हाँ सर, हाँ सर, मीटिंग सुनकर के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बहुत सी चीजें याददाश्त मतलब ताजी हो गई, और हमें तो जानता हूँ सर को काफी दिन से, वास्तव में सर ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है और उन्हीं की छत्रछाया में रहकर मैं भी सीख रहा हूँ, और बहुत सी चीजें जो बताई है बहुत सी ताजी हो गई है और बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे हम लोग पहले से कर रहे थे और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तेजी से करने के लिए। थैंक यू सर, आज की मीटिंग के माध्यम से मुझे फिर से रिव्यूजर होने का मौका मिला। चलिए है ना, चलिए मैं लोगों से कहना, अच्छा प्रजापति जी, हाँ जी प्रजापति जी। सर मैं कुबेर से, अभी लॉकडाउन के अंतर्गत मैं बम्बई में भी रुका हुआ हूँ, और बच्चे भी साथ में ही हैं, तो वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे अपलाइन अरुण सर हमें ये सब सिखाते रहते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे से सुनो तब समझ में आता है, नहीं अपने घर वाले तो हमें सब बताते ही रहते, हमने उसको ध्यान नहीं दिया केवल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। तो हमेशा कुछ न कुछ सीख ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू है ना। हाँ सर थैंक यू, आज की मीटिंग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अभी मेरे को मालूम है बहुत लोग फीडबैक देखना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा पहचान भी लिया करो, पहचान भी लिया करो सर। हाँ अनिता जी बोल रही है कुवैत से। यूट्यूब पे मैंने सर, आप जब यूट्यूब पे सक्सेस हुए थे मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने रिप्लाई भी नहीं दिया, छोटे बंदों को भी याद कर लिया करो सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा एक बजे का हर दिन आपको एक हमारे ही बीच के एक लीडर से, बहुत ही शानदार लीडर से आपको आपकी मुलाकात होगी, कल भी आपके लीडर से आपके आपकी मुलाकात होगी, टाइम रहेगा एक बजे, राइट। तो विदिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला सुनने के लिए और सीखने के लिए, आप लोग आपको लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। सर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले तो थैंक यू क्योंकि मीटिंग आज बहुत अच्छी रही, और सर क्वेश्चन है कि जब आप 2012 में इस वेस्टिज बिजनेस में आए थे तो आप ये टीम के साथ आए थे कि आपको ऑडी लेनी है, तो सर जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आपके साथ बहुत चैलेंजेस थे, जैसे कि आपके पास लोग नहीं थे और अगर आप किसी को भी कॉल करते थे तो वो समझ जाते रिजवान खान मतलब दूसरी कंपनी है ना, और आप मार्केट में भी जब फील्ड में भी जब प्लान दिखाने जाते थे तो लोग बाग आपसे कहते थे कि क्यों इंजीनियर क्यों बेकार कर रहा है, अगर डॉक्टर वाला काम ही करना था तो इंजीनियर क्यों करी, तो सर कभी आपको ये नहीं लगा कि आपका जो ड्रीम है ऑडी कार का वो फेल ना हो जाए, कि आपका सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा, सर आपको कभी नेगेटिविटी नहीं आई? हाँ देखो ये जब हम ये कोई भी काम करते हैं जब अपने ड्रीम के लिए भागते हैं तो बीच में चले जाते हैं, और जब बीच में चले जाते हैं तो क्या होता है कि अब हम लोग छोड़ने की क्यों सोचने लग जाते हैं, हम छोड़ने की इसलिए सोचने लग जाते हैं, मैं कहना चाहूंगा एक मिनट मैं म्यूट कर लूं, मैं हम लोग छोड़ने की क्यों सोचने लग जाते हैं क्योंकि जैसे ही हमसे लोग बोलना स्टार्ट करते थे अब तेरा नहीं चलेगा, अब तुझसे नहीं होगा, अब ये तू क्या काम करने लगा है, तो जैसे ही उनकी सोच हमारी सोच पे हमारे माइंड पे हावी होने लग जाती है और हमारे जो हमारा जो ड्रीम होता है उस ड्रीम को जैसे अपने को दूर करते हैं वैसे ही जो हमने लोगों ने हमें बोला होता है जो चैलेंज होते हैं वो हमारे माइंड पे हावी हो जाते हैं, तो जैसे ही वो ड्रीम हावी होने के बजाय जब लोग जो हमें बोल रहे हैं जो हमें फेलियर का एहसास करा रहे हैं जब वो थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो वो ड्रीम गायब हो जाता है, और जो थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाती है उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसा मेरे साथ होता था, लेकिन मैं उबरता कैसे था, जैसे मैं अपनी ऑडी के बारे में अपने ड्रीम के बारे में सोचता था उसको मैं बार 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 विजुलाइज करता था, जो आज हम कर रहे हैं जो हम मेडिटेशन में करते हैं ये मैंने हमेशा अपनी पूरी लाइफ में मैंने इसको अप्लाई किया, जो मैं मॉर्निंग में सिखाता हूँ जो बताता हूँ मैं सॉन्ग को किस तरह से यूज करता हूँ तो वही मैं मॉर्निंग में भी सिखा रहा हूँ, कि जब मैं अपने ड्रीम को बार बार विजुलाइज करता था बार बार उसको उसके बारे में बार बार सोचता था, जैसे अब मन कर गया नहीं छोड़ यार नहीं करना नहीं करना, तो एकदम मैं सोचता था ऑडी का आएगी क्या अगर मैं इसी थॉट में रहा था, तो जो मेरे को आगे लेकर आया जो इससे निकाल के लेकर आया कितनी बार मेरे को लगा जो आप बोल रहे हो बिल्कुल कितनी बार लगा कि ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ करना था करना है तो करना ही है ना, जो चीज सोच जैसे तिवारी जी बोल रहे करना है तो करना ही है ना, फिर वो
तो ये सारी चीजें मुझे लगा कि यार ये तो रास्ते में ये तो प्रोसेस है, ये तो चलेगा भाई। चाय जब बनी होती है चीनी डालते हैं, पानी उबलता है ना, और आग भी जलती है, तो प्रोसेस है चाय को बनाने का। तो इसी तरह से लोग हाँ भी करेंगे, लोग वहां भी करेंगे, छोड़ के भी जाएंगे, लेकिन ड्रीम अल्टीमेट तभी हासिल होगा जब उसमें लगेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे और ड्रीम को बड़ा रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यहीं पर आज की मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ, मेरी भी क्लास भी है, 2 बजे स्टार्ट हो चुकी है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कल मिलते हैं कितने बजे? ओके, 1 बजे सर, कितने बजे? सुबह 5 बजे, 1 बजे सर, सुबह 5 बजे मिलते हैं। आप लोग बता रहे जो मेडिटेशन होता है उसके लिए वही लिंक काम करेगा, सेम लिंक काम करेगा, रिकरिंग मीटिंग के लिए। Right. Thank you very much. Thank you.